नमस्कार, स्वागत है, आप देख रहे हैं मंचा न्यूज। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि पावर स्टार पवन सिंह साहब दो दिनों से काफ़ी चर्चा में हैं। दरअसल चर्चा इसलिए है क्योंकि उन्होंने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद से अब संभावना यह बन रही कि क्या पवन सिंह जी चुनाव में आने वाले हैं, क्या राजनीतिक में आने वाले हैं, या फिर ऐसी कई प्रकार की जो अटकलें हैं वह सामने आ रही है। बता दूँ कि नितिन गडकरी के आवास पर खुद पवन सिंह गए थे मुलाकात की और इस मुलाकात के कई मायने सामने निकल कर आ रहे हैं क्योंकि आगामी यूपी में चुनाव भी है जहां पे बड़े बड़े नेता और साथ ही बड़े स्टार प्रचारक भी वहां पहुंचेंगे। इन सभी मुद्दों को अगर देखें तो पवन सिंह की एक अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है, उसकी बीजेपी पहले अपना दांव आजमाना चाहती है, यानी कि बीजेपी अगर हर मुद्दे पर देखे तो हमेशा फ्रंट फुट पर रहना चाहती है। इसी दरमियान जब पवन सिंह की मुलाकात नितिन गडकरी से हुई, इसके बाद से राजनीतिक में शोर काफ़ी ज़ोरों से होने लगा कि क्या पवन सिंह राजनीति की रुख करेंगे, क्या पवन सिंह वो भी अब चुनाव लड़ेंगे। हालांकि चुनाव पर अभी भी संशय है, लेकिन वो चुनाव ऐसी उम्मीदें लगाई जा रही कि चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वह बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे और पूरे यूपी में बीजेपी की जहां जहां रैलियां होंगी उन रैलियों में भाग लेंगे और साथ ही बीजेपी की जो विधायक होंगे, विधायिका होंगी जो उस क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, उनका वो समर्थन करेंगे और साथ ही उनके सपोर्ट में जनता से वोट की अपील भी करेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं जो अब दो दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है कि आखिर पवन सिंह ने नितिन गडकरी से मुलाकात, क्योंकि कई ऐसी सवाल थी कि क्या अब फिल्में वो छोड़कर राजनीति में जाना चाहते हैं, क्या अब उनके गाने लोगों को सुनने को नहीं मिलेंगे। खैर, ऐसी कोई बात नहीं है, एक औपचारिक मुलाकात थी। इस मुलाकात में कई तरह की बातें हुई और साथ ही खबर यह भी निकल कर आ रही है कि जब यूपी में विधानसभा आगामी जो 2022 की जो विधानसभा चुनाव होने वाली है उसमें वो बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे और साथ ही कई इलाकों में वो बीजेपी के सपोर्ट में जनता से वोट की अपील करेंगे। बस यही बातें थी। तो कई ऐसे लोग थे जो लगातार सवाल कर रहे थे, मैंने सोचा चलो इस क्लियर मुद्दे को कर दे कि आखिर पवन सिंह साहब भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को छोड़कर नहीं जा रहे, उनके गाने आएंगे, उनकी मूवी आएंगी, लगातार वो आप लोग से बने रहेंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि वो अब फिल्मों से दूर चले जाएंगे। उनकी मुलाकात सिर्फ राजनीतिक परिवेश को लेके हुई है और साथ ही यूपी में होने वाले चुनाव को कि वह बीजेपी के स्टार प्रचारक होंगे। अभी हालांकि इसकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर की जो बातें वो सामने निकल कर आ रही है कि पवन सिंह की जो मुलाकात थी वह इसी दरमियाँ हुई है और साथ ही बहुत जल्द आप लोगों को उनकी मूवी और गाने भी देखने को मिलेंगे, लेकिन यह जो संशय था वह संशय क्लियर हो गया है।